दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय जोशी और हमारे YouTube परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पार्लेट रन करना सिखाऊंगा। एक हमारे पास DMX 512 कंट्रोलर है और 8 पार्लेटें मैं आपको बताऊंगा रन कैसे होती है। इसको देख के आप अपनी पार्लेटें भी रन कर सकते हो। और सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि हमारा जो DMX 512 मिक्सर है उसमें प्रोग्राम सेव कैसे होते हैं, क्योंकि प्रोग्राम अगर आपको सेव करना नहीं आता तो आप पार्लेट रन करना नहीं सीख सकते। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा DMX 512 कंट्रोलर है उसमें प्रोग्राम सेव कैसे होते हैं और पार्लेट रन कैसे होती है। तो चलो स्टार्ट। S052 पार्लाइट है जो लगभग आपको मार्केट में 1500 से 1600 या 1400 के आसपास आपको मिल जाएगी। अलग अलग शहर में अलग अलग प्राइस है इस लाइट का। आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, पर वो आपको इस कंपनी की साइट ही मिलेगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपको इन पार्लाइटों का कनेक्शन करना नहीं आता और आपको कोड प्रोग्राम, जो उसका कोडिंग प्रोग्राम होता है, वो आपको नहीं डालना आता, तो ऊपर आई बटन आ गया होगा। इस वीडियो पे जाके आप सबसे पहले पार्लाइट का कनेक्शन करना और पार्लाइट में कोड प्रोग्राम कैसे देते वो देखें, क्योंकि अगर वो आपको नहीं पता होगा तो आप पार्लाइट रन नहीं कर सकते। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। दोस्तों, ये पहली लाइट है, यहाँ से हमने सारी लाइटों का कनेक्शन किया है और जो DMX 512 से जो आउटपुट आया है वो हमने इसमें इनपुट दिया है। दोस्तों, ये D001 पे है DMX मोड पे। फिर उसके बाद ये जो दूसरी लाइट है इसमें हमने 16 ऐड कर दिया तो ये 17 पे हो गई। फिर हमने इसमें 16 ऐड कर दिया तो ये 33 पे हो गई। फिर हमने इसमें 16 ऐड कर दिए तो ये 49 पे हो गई। फिर हमने इसमें 16 ऐड कर दिए तो 65 पे हो गई। फिर उस पर हमने 16 ऐड कर दिए तो वो हो गई 81 पे। फिर उसके बाद में हमने इसमें 16 ऐड कर दिया तो ये हो गई 97 पे, 97 पे। और इसके बाद फिर हमने इसमें 16 ऐड कर दिए तो ये हो गई 113 पे। ऐसे इसकी एड्रेसिंग की है मैंने। आप जो मेरी मैंने अभी मैंने आपको जो बताया था कि आप ऊपर आई बटन पर जो वीडियो आया था उस वीडियो को आप देखोगे तो आप पीछे से देख के ज़्यादा बेटर समझ जाओगे, और जिसको आता है उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्राम सेव कैसे। प्रोग्राम का इन दोनों को आपको दबा के रखना है। फिर जो अपना पावर ऑन ऑफ का स्विच है उसको आपको बंद करना है। फिर 4 से 5 सेकंड के बाद में आपको उसको वापस ऑन करना है। तो ये ऐसे लाइट ब्लिंक होगी, इसका मतलब ये है कि आपके जो के पास मिक्सर है उसमें जितने भी प्रोग्राम हैं वो सारे डिलीट हो गए। आपके इस मिक्सर में कोई भी प्रोग्राम नहीं है, एक नया जैसे आता है बिल्कुल वैसा हो गया। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि प्रोग्राम सेव कैसे होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी पावर लाइटें सारी चेक करनी है, तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब मैं फर्स्ट और सेकंड ऊपर करूँगा तो आप देख लीजिए सब में लाइट आ गई है। मतलब अपना जो सारा मिक्सर है, जो अपनी सारी प्रोग्रामिंग है, वो एकदम परफेक्ट है। इसमें कोई भी इश्यू नहीं है, सारी लाइटें हैं जो बेटर, जो अपने जो हमने प्रोग्रामिंग की थी कोडिंग प्रोग्रामिंग, वो एकदम परफेक्ट है। उसके बाद में मैं वापस इनको हटा देता हूँ। सबसे पहले आप अपनी लाइटों को ऐसे चेक कर लीजिए और उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसके अंदर प्रोग्राम सेव करना है। तो एक बार मैं इसको बंद कर लेता हूँ, फिर मैंने वापस इसको ऑन कर दिया। तो सबसे पहले अपने को जो प्रोग्राम सेव करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको सबसे पहले प्रोग्राम को दबा के रखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 101 आ गया है। अब फिर मैं सबसे पहले एक नंबर लाइट में प्रोग्राम सेव करूँगा, तो आप इधर आइए, देखिए इसको। एक नंबर मैंने दबा दिया और मैं जैसे ही फर्स्ट लाइट और सेकंड लाइट को ऊपर करूँगा तो एक नंबर लाइट में लाइट आ गई।
अब मैं इस लाइट को रन के लिए सेव करूंगा, तो आपको प्रोग्राम दबाएंगे आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है प्रोग्राम के आगे, ये मतलब अपना प्रोग्राम अभी ऑन है। उसके बाद में हम मीडी एड को दबाएंगे, फिर मैं एक नंबर स्विच को जैसे ही दबाऊंगा तो आप देखना इधर लाइट ब्लिंक होगी, मतलब अपना प्रोग्राम सेव हो गया। ये अपनी पहली लाइट सेव हो गई, इसी तरह हम दूसरी लाइट को सेव करेंगे। तो दोनों स्लाइड को नीचे कर दिया, एक नंबर जो था उसको वापस हमने हटा दिया। अब हम दो नंबर को दबाएंगे और फर्स्ट और सेकंड स्लाइड को ऊपर करेंगे, तो सेकंड जो नंबर स्लाइड है उसमें लाइट आ गई है। इसके बाद हम वैसे ही मीडी और जो ऐड लिखा उसको दबाएंगे। उसके बाद हम दो नंबर को जैसे दबाएंगे तो यहाँ डिस्प्ले में लाइट ब्लिंक होगी, इसका मतलब दूसरी लाइट है वो अपनी रन के लिए सेव हो गई। ऐसे करके हम 8 लाइट कर रहे हैं, तो 8 लाइट आप ऐसे करके इसमें 12 लाइट सीधी भी एक साथ सेव कर सकते हो। वैसे तीन नंबर दबाया, एक और दो नंबर ऊपर किया, मीडी ऐड दबाया, तीन नंबर दबाया, ये सेव हो गई। वैसे ही हम तीन नंबर बढ़ा के 4 नंबर दबाएंगे, एक और दो को ऊपर करेंगे, फिर मीडी ऐड करेंगे, 4 नंबर दबाएंगे, तो जो 4 नंबर लाइट है उसमें भी प्रोग्राम सेव हो गया। ऐसे 5 नंबर दबाएंगे, 5 में एक दो को ऊपर किया, मीडी ऐड किया, 5 नंबर दबाया, ये सेव हो गया। और ये जो आखिरी लाइट है 8 नंबर, आप देख सकते हो लाइट आ गई है, लाइट में 8 नंबर आखिरी लाइट है, इसको हम सेव करेंगे। तो वही हमको मीडी ऐड दबाना है और 8 नंबर दबाते इसमें लाइट ब्लिंक करेगी, ये अपनी जो पावर लाइट है वो रन के लिए सेव हो गई है। अब वापस मैं इसको रिवर्स सेव करता हूँ ताकि पावर लाइट एक तरफ जाएगी और वापस उसी तरफ से रिवर्स आएगी। तो रिवर्स करने के लिए आपको सबसे पहले जो अपनी ये बैंक है, ये एक और दो, ये बैंक अभी अपनी एक नंबर बैंक है, और रिवर्स है जो मैं दो नंबर बैंक पे करूंगा, तो मैंने इसको दबाया तो ये दो नंबर बैंक हो गई। और रिवर्स करने के लिए वापस अपने को उल्टा चलना पड़ेगा, पहले तो 1 से 8 तक गए थे, अब हम 8 से वापस 1 तक आएंगे। तो सबसे पहले मैंने 8 नंबर जो लाइट है उसको सेलेक्ट किया, एक और दो साइड को ऊपर कर दिया, आप देख सकते हो 8 नंबर लाइट आई हुई है। और उसके बाद में वही देखो प्रोग्राम पे ब्लिंक हो रहा है, मतलब अभी प्रोग्राम सेव होगा। अब मैंने मीडी ऐड दबाया और एक नंबर दबा दिया, ये सेव हो गई। उसी तरह हम 7 को दबाएंगे, एक और दो को ऊपर करेंगे, 7 नंबर लाइट आ गई है। और मीडी ऐड को दबाएंगे और दो नंबर दबाएंगे, ये प्रोग्राम सेव हो गया। उसी तरह हम 6 नंबर दबाएंगे, एक और दो को ऊपर किया, मीडी ऐड दबाया, 3 नंबर दबाया, सेव हो गई। फिर 5 को दबाएंगे, फिर मीडी ऐड किया, फिर 4 नंबर दबाया, सेव हो गया। फिर 4 नंबर दबाएंगे, एक और दो को ऊपर किया, मीडी ऐड किया, फिर 5 नंबर दबाया, सेव हो गया। इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, दो नंबर, एक और दो साइड ऊपर मीडी ऐड, 7 नंबर बंद किया, एक को दबाया, मीडी ऐड दबाया, 8 नंबर दबाया, ये हमने रिवर्स के लिए सेव कर दिया। अगर अपने को ये जो हमने पहली बैंक बनाई थी एक, ये इसको अगर अपने को चेक करना हो कि हमने सही सेव किया या नहीं, तो देखो ये जो स्विच दिया है, मैं इनको दबाऊंगा तो अपनी पावर लाइट में लाइट आएगी। एक नंबर दबाया, एक नंबर लाइट आ गई है, दो नंबर आ गई है, तीन नंबर आ गई है, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, मतलब अपनी लाइटें परफेक्ट रन के लिए सेव हो गई है। उसी तरह हमने दूसरी बैंक में गए, अब दूसरी बैंक को अपने को चेक करना है, तो मैंने एक नंबर दबाया, एक नंबर में 8 नंबर लाइट थी, आप देख सकते हो रिवर्स के लिए, दो नंबर दबाया तो 7 नंबर आ गई, 3 नंबर दबाया तो 6 नंबर आ गई, 4 नंबर दबाया तो 5 नंबर आ गई, और 5 नंबर दबाया तो पीछे से लाइट ये आ गई, फिर ये। ऐसे अपने दोनों लाइटें हैं जो सेव हो गई है, पहले 1 से 8, फिर वापस 8 से 1। तो ये तो हमने रेड प्रोग्राम सेव किया है, अब हम ग्रीन में चलते हैं। रेड के बाद ग्रीन है, जिसको हम ऐसे ही सेम सेव करेंगे। तो अपने के वो पहली बैंक पे तो अपना 1 से 8 रेड हो गया, दूसरे बैंक में अपना रिवर्स हो गया वापस 8 से 1। अब तीसरी बैंक को सिलेक्ट किया, ऊपर के तीसरी बैंक आ गई, और उसके बाद अपने को करना पड़ेगा ग्रीन। तो सबसे पहले अपने को एक नंबर और तीन नंबर अपने ऊपर किया, तो ग्रीन हो गया, आप लाइट में देख सकते हो ये ग्रीन हो गया। ग्रीन होने के बाद वापस मैंने मीडी ऐड दबाया और एक नंबर दबाया, ये ग्रीन एक पे सेव हो गया। उसी तरह वापस अपने को ये दो नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर स्लाइड ऊपर किया, फिर मीडी ऐड दबाया, 2 नंबर दबाया, ये सेव हो गया। इसी तरह अपने को सेव करना है। सेम वही रेड की तरह हम उसको सेव कर रहे हैं।
ये अपनी लाइटें सेव होगी, अपने को वापस चेक करना है। तो मैंने एक नंबर दबाया, ग्रीन आ गई है, 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अपनी लाइट एकदम परफेक्ट सेव हो गई। अब वापस अपने को उसका रिवर्स करना है ग्रीन का। तो हमने अभी 3 नंबर बैंक है, 4 नंबर बैंक पे गए, 4 नंबर बैंक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद वापस मैंने 8 नंबर दबाया, 1 और 3 नंबर स्लाइड को ऊपर किया, मीडी एड दबाया और 1 नंबर दबाया, ये सेव हो गई। 7 नंबर दबाया, मीडी एड दबाया, 2 नंबर दबाया। अब हमने 6 नंबर दबाया, 1 और 3 को ऊपर किया, मीडी एड दबाया और 3 नंबर दबा दिया। सारे प्रोग्राम इसी तरह सेव होंगे, बस स्लाइड चेंज हो जाएगी कलर के लिए। ये इसको हम वापस चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए मैंने 1 नंबर दबाया तो वहाँ लाइट आ गई, ये 2 3 4 5 6 7 8, ये रिवर्स के लिए है। हमने पहले रेड के 2 बना दिए, 1 से 8 और वापस 8 से 1, और ग्रीन के भी 2 बना दिए। अब हम 5 नंबर बैंक को है सेलेक्ट करेंगे। 5 नंबर बैंक को सेलेक्ट करने के बाद में उसके बाद अपने को अब मैं ब्लू करूँगा। तो ब्लू करने के लिए मैंने 1 नंबर दबाया, 1 नंबर स्लाइड को ऊपर किया और 5 नंबर स्लाइड को ऊपर, 4 नंबर स्लाइड को ऊपर कर दिया, तो ब्लू हो गई 1 नंबर लाइट में। वैसे हम ब्लू को सेव करेंगे, तो फिर मैंने मीडी एड दबाया और 1 नंबर दबाया, ब्लू सेव हो गई। वापस दूसरी लाइट में करेंगे 1 नंबर और पिए मीडी एड, फिर ये वही तरीका चलेगा पूरे प्रोग्राम में। अब जैसे चौथी लाइट करना है तो 4 नंबर लाइट को सेलेक्ट किया, फिर 1 नंबर स्लाइड और 4 नंबर स्लाइड को ऊपर किया, फिर मैंने मीडी एड दबाया, फिर मैंने 4 नंबर यहाँ दबाया, ब्लिंक होते ही रन के लिए सेव हो गई। ये हम इसको चेक कर लेते हैं, आप लाइटों में देख लीजिए एक बार, 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 8। आप इसी तरह चेक कर लीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत हो तो वापस प्रोग्राम डिलीट करके तो वापस सेव करें। अब हमने 5 नंबर बैंक में 1 से 8 कर ले, तो वापस 8 से 1 करेंगे 6 नंबर बैंक में। 1 नंबर दबाया, सॉरी 8 नंबर लाइट ही रहेगी, तो 8 नंबर को वापस हमने दबाया और 1 नंबर और 4 नंबर स्लाइड को ऊपर किया, मीडी एड दबाया, 1 नंबर दबा दिया। उसके बाद हमने 7 नंबर दबाया लाइट को, मीडी एड किया, 2 नंबर दबा दिया। फिर हमने 6 नंबर लाइट को दबाया, 1 और 4 नंबर स्लाइड को ऊपर किया, फिर मीडी एड किया, फिर 3 नंबर दबा दिया। फिर हमने 5 नंबर दबाया, फिर मीडी एड, फिर 4 नंबर दबा दिया। फिर हमने 4 नंबर लाइट को सेलेक्ट किया, फिर हमने 1 और 4 नंबर स्लाइड को ऊपर किया, फिर मीडी एड किया, फिर मैंने 5 नंबर दबा दिया। ऐसे अपने को चलना है। दोस्तों इसको वापस हम चेक कर लेते हैं एक बार, एक और देखो आप देख सकते हो वहाँ पे 8 7 6 5 4 3 2 1, परफेक्ट है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने 3 का पेयर बना लिया है, रेड ग्रीन ब्लू का, 1 से 8 और वापस 8 से 1 रिवर्स का। अपने इसमें जितनी इच्छा है वैसी लाइट कर सकते हैं। अब हम इसको रेड के साथ में अगर 3 पूरा 1 2 3 स्लाइड ऊपर कर देंगे तो येलो हो जाएगी, हम ऐसे भी इसको सेव कर सकते हैं। आपकी जितनी इच्छा वो कर सकते हो, आप वाइट भी ऐसे सेव कर सकते हो, ऐसे फ्लिप करते हुए भी आप सेव कर सकते हो उसको। ये हमने अभी 3 प्रोग्राम सेव कर लिया, रेड ग्रीन और ब्लू का। आप कहो तो चलो देख लेते हैं येलो और कर लेते हैं। तो एक नंबर अपनी जो सेलेक्ट है, सबसे पहले अपने को बैंक चेंज करना पड़ेगा। तो 7 नंबर बैंक पे आ गए, 7 नंबर बैंक पे आने के बाद में 1 नंबर स्लाइड सेलेक्ट है ही है, फिर 1 नंबर स्लाइड, 2 नंबर स्लाइड, 3 नंबर स्लाइड को हमने सेलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हो येलो आ गई अपनी, येलो कलर हो गया लाइटों में। अब मैं मीडी एड दबाऊंगा, फिर मैंने 1 नंबर दबा दिया, ये सेव हो गई। फिर वापस उसी तरह 2 नंबर लाइट को सेलेक्ट किया, स्लाइड को ऊपर कर दिया, फिर मीडी एड दबा दिया, फिर 2 नंबर दबा दिया। वैसे हम सेव करेंगे 3 नंबर, तीनों स्लाइड ऊपर, मीडी एड, 3 नंबर सेव, फिर ये 4, फिर ये, फिर सेव, फिर 5 नंबर लाइट को सेलेक्ट किया, फिर तीनों स्लाइड ऊपर, फिर मीडी एड, फिर वापस 5, फिर 6 नंबर को ऊपर किया, तीनों स्लाइड ऊपर, फिर मीडी एड, फिर 6, फिर 7 नंबर ऊपर किया, फिर मीडी एड, फिर 7,
ये लास्ट ये 8 नंबर लाइट मीडिया एड और ये 8 आप देख सकते हो लास्ट 8 तक प्रोग्राम सेव हो गए हैं। वापस हम इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने बैंक चेंज करेंगे, 7 पे 8 नंबर बैंक पे आ गए तो वापस अपने को 8 नंबर लाइट पे दबाना है, फिर 1, 2, 3 स्लाइड ऊपर करना है, फिर मीडिएट, फिर 1 नंबर, फिर 7 नंबर, फिर 1, 2, 3 स्लाइड ऊपर, फिर मीडिएट, 2 नंबर, फिर 6 नंबर, फिर 1, 2, 3 स्लाइड ऊपर, फिर 3 नंबर सेव। इसी तरह आगे बढ़ना है। दोस्तों अब एक बार हम चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये 8 से रिवर्स हो गया। अब हमने 4 कलर सेव कर लिए हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो। अब हम व्हाइट कर लेते हैं, फिर उसके बाद फ्लिक और कर लेंगे। तो सबसे पहले अपने को बैंक चेंज करना है, आप देख सकते हो ये 9 नंबर बैंक लाएंगे, ये 9 नंबर बैंक आ गई, फिर वही अपने को 1 नंबर लाइट सेलेक्ट करना है, फिर व्हाइट करना है तो 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, 4 स्लाइड ऊपर हो गई, आप देख सकते हो व्हाइट कलर आ गया पहली लाइट में। उसी तरह अपने को करना है वापस मीडी एड और 1 नंबर सेव हो गया, फिर अपने को दूसरी लाइट, फिर मीडी एड और 2 नंबर सेव हो गया, उसी तरह अपने को तीसरी लाइट, मीडी एड और 3 नंबर सेव हो गया, उसी तरह चौथी लाइट, ऐसे आगे बढ़ना है। ज़्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करें, लाइक करें, बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये लास्ट लाइट है जो 8 नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया, मीडिया और 8 नंबर एक बार चेक कर लेते हैं कि परफेक्ट है या नहीं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7 लास्ट लाइट। वापस अब इसको रिवर्स कर लेते हैं, रिवर्स के लिए अपने को बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये हमने 10 नंबर जो बैंक है वो सेलेक्ट कर ली है, उसके बाद अपने को रिवर्स करना है तो 8 नंबर लाइट पे जाएंगे और उसके बाद 8 नंबर लाइट पे जाएंगे हम। सॉरी, ये देखिए आप वाइट आ गई है उसमें, फिर हम मीडिएट दबाएंगे, मीडी और 1 नंबर दबाएंगे तो ब्लिंक हो रहा है, सेव हो गया। इसी तरह करना है वापस अपने को, 7 नंबर पे गए, 1, 2, 3, 4 ऊपर पूरा मीडी ऐड, 2 नंबर मीडी ऐड, 3 वापस एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 नंबर दबाया तो देखते हो वहाँ 8 नंबर आ गया, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, 10 बैंक हमने बना ली है। और इसके बाद एक लास्ट फ्लिक का और बना लेते हैं। तो फ्लिक का बनाने के लिए हम 11 नंबर बैंक को हमने सेलेक्ट किया, फिर 1 नंबर लाइट को फ्लिक का बनाने के लिए, अगर आप सिंगल लाइट में फ्लिक बनाना चाहोगे तो ज़्यादा बेटर नहीं लगेगा, इससे अच्छा है आप सारी लाइटों में फ्लिक करवाओ। तो सारी लाइटों में फ्लिक सेव करने के लिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, हमने 8 लाइटें सेलेक्ट कर ली। आपको सिंगल बनाना तो उसी तरह आप सिंगल फ्लिक को सेव कर लो, 1 नंबर लाइट, फिर 2 नंबर, मैं सारों को साथ कर रहा हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर, ये लाइटें अपनी फ्लिक हो रही है। इसकी स्पीड धीरे धीरे करके हम सेव करेंगे। सबसे पहले फास्ट में सेव कर लेते हैं, 5 स्लाइड मैंने ऊपर कर दी है, फिर वापस वही मेरी ऐड दबाना है, 1 नंबर दबाया ये सेव हो गई, और उसके बाद मैंने 2 नंबर दबाया, सॉरी 1 नंबर ही रहेगा क्योंकि अभी हम 1 पे कर रहे हैं, उसके बाद वापस हम मीडी एड दबाएंगे, फिर 2 नंबर दबाना है। तो अपने 8 लाइटें सेलेक्ट है ही है, अब हम इसकी थोड़ी स्पीड स्लो कर देते हैं फ्लिक की। फिर हमने मीडी एड दबाया, 2 नंबर दबाया, ये सेव हो गई, फिर स्पीड इसकी थोड़ी स्पीड और स्पीड और स्लो कर देते हैं, फिर मीडी एड दबाया, 3 नंबर दबाया, ये सेव हो गई,
जिस तरह आप आठों में भी सेव कर सकते हो, आपको ज्यादा चाहिए तो आप पूरी आठ सेव कर लो। फिर मैंने मीडियट दबाया चार नंबर से, फिर मीडियट दबाया पांच नंबर, फिर मीडियट छः, फिर मीडियट सात, फिर मीडियट आठ। इसी तरह हमने इसको भी आठ प्रोग्राम सेव कर दिया, पूरे आठ। ज़्यादा लाइट फ्लिक करेगी, हमने वापस इसको सारों को हटा दिया है। आपको चेक करना तो वापस चेक कर सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो सारों में लाइटें आ गई है, सारी फ्लिक कर रही है। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि जो हमने प्रोग्राम सेव किया है अब हम उसको रन कैसे करें। तो अगर आपको सिंगल पर्टिकुलर एक बैंक को रन करना है वो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं प्रोग्राम को दबाऊंगा, फिर मैं ब्लैकआउट, वापस मैंने ब्लैकआउट हटा दिया है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक म्यूजिक ट्रिगर, एक ऑटो ट्रिगर। ऑटो ट्रिगर का नीचे डॉट है, तो यहाँ मैं ऑटो दबाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटो पे डॉट आ गया, मतलब ये ऑटो के लिए रेडी है। अब जो अपने दो स्विच चाहिए, यहाँ पे आप देखिए ये दो स्विच जो अपने स्लाइड है, सॉरी स्पीड की और फेयर टाइम की, इसको अगर मैं एक ऊपर करूंगा तो आप देख सकते हो जो एक नंबर बैंक में हमने जो एक से आठ रन किया था वो रन हो रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये एक नंबर बैंक में था। और पर्टिकुलर अपने को दूसरी बैंक शेयर करना है तो यहाँ से आप जो बैंक के स्विच है उसको दो नंबर किया, और मैंने इसको अगर मैं ऊपर करूँगा, सॉरी ये हमने एक नंबर दबा दिया, वहाँ पर लाइट आ गई आप देख सकते हो, ये इसको मैंने ऊपर किया तो ये देखो पीछे से आगे आ रहा है। ये इसी तरह अपने को तीसरी बैंक से करना है तो तीसरी बैंक पे गए, फिर एक नंबर दबाया, फिर वापस उसी तरह उसको ऊपर कर दिया जो स्पीड को है, और फैड को ऊपर कर देंगे ज़्यादा बेटर लगेगा। ये अपने एक से आठ हो गए, उसी तरह अपने सारी दस बैंक है। और चार नंबर बैंक देख लेते, अब चार नंबर बैंक में एक दबाया तो पीछे रिवर्स से आठ से एक है। वही तरीका है। और पाँच नंबर बैंक पे गए, एक नंबर दबाया ब्लू आ गई है, ये ब्लू रन होने लगी, ये वापस रिवर्स कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं ये रिवर्स हो रही है। इसी तरह सात नंबर बैंक पे गए, येलो था, येलो आगे से एक से आठ जा रहा है। इसी तरह आठ नंबर बैंक को सेलेक्ट किया और एक नंबर दबाया और ऊपर किया तो आप देख सकते हो लाइटें जो आठ में से एक आ रही है। उसके बाद अपने वाइट सेलेक्ट किया तो नौ नंबर बैंक पे आ गए। नौ नंबर बैंक आपको पता है बैंक के स्विच यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक नंबर दबाया लाइट आ गई, उसको दोनों को ऊपर किया, ये एक से आठ तो वाइट जा रही है। और आप इसमें देखिए ये बैंक है, ये नौ नंबर बैंक है, ये दस नंबर बैंक आ गई और एक नंबर लाइट हो गई। इसको मैं ऊपर करूंगा तो आप देख सकते हो रिवर्स हो रही है वापस। ये पांच कलर हमने सेव किया थे, एक से आठ और आठ से एक। और जो ग्यारह नंबर बैंक है उसको हमने फ्लिक किया था तो आप एक नंबर दबाइए, यहाँ से बैंक को सेलेक्ट किया ग्यारह नंबर और एक नंबर जैसे मैं दबाऊंगा जैसे लाइटें फ्लिक करना स्टार्ट कर देगी। आप देख लो लाइटें फ्लिक कर रही है। तो दो पे हमने थोड़ा धीरे किया था फ्लिक को, तीन पे और धीरे किया था और बाकी पे हमने फास्ट किया था फ्लिक। दोस्तों इसी तरह बैंक को सेलेक्ट करते हैं हम, हमने ये ग्यारह बैंक बनाई है। अब ऐसे तो जब हम करेंगे तो हमने को बार बार ऑटो पे जाना पड़ेगा, बैंक को सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर उसको ऊपर करना पड़ेगा तो पर्टिकुलर परेशान हो जाएंगे। तो इससे बढ़िया मैं जो ये चेस के स्विच अपने मिक्सर में इसीलिए दिए होते हैं कि हम जो उसमें छह चेस दिए हुए हैं, हम एक चेस के अंदर जो अपने 11 प्रोग्राम हमने बनाए थे अभी बैंक के, वो 11 प्रोग्राम हम एक चेस में सेव करेंगे। तो सेव करना बहुत ही ईजी है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। तो सबसे पहले आपको सेव करने के लिए आपको जो प्रोग्राम है उसको आपको दबाना है। प्रोग्राम दबाने के बाद में आपको चेस दबाना है। चेस जैसे ही आप दबाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो चेस लिखा हुआ है उसके आगे एक लिखा हुआ आ गया, मतलब चेस नंबर वन है ये। अब अपने को चेस नंबर वन में सारे प्रोग्राम उसी तरह सेव करने जैसे हमने बैंक में बनाए थे। तो सबसे पहले आपको एक नंबर दबाना है, फिर मेरी एड दबाना है, ये सेव हो गया। फिर दो नंबर दबाना है, फिर मेरी एड दबाना है, फिर तीन नंबर दबाना है, फिर मेरी एड दबाना है। जैसे हम स्विच चेंज करेंगे ना तो आप देख सकते हो वहाँ पर लाइटें भी चेंज हो रही है। ये चार नंबर मैंने दबाया लाइट चेंज हो गई, फिर मैंने मीडी एड दबा दिया, फिर पांच नंबर दबा दिया मीडी एड हो गया, फिर छह नंबर एड मीडी एड, फिर सात नंबर मीडी एड, आठ नंबर मीडी एड। ऐसे लाइटें अपनी चेंज होगी स्विच दबाएंगे तब, उसी तरह जैसा हमने प्रोग्राम सेव किया था। पहले हमने प्रोग्राम बैंक से सेव किया था, अब हम चेस में सेव कर रहे हैं। तो अपने एक नंबर है बैंक तो सेव हो गई, अब दूसरी नंबर बैंक को सेलेक्ट किया, उसी तरह अपने एक दबाएंगे तो आप देख सकते हो एक नंबर पर अपने आठ नंबर लाइट थी,
और मिक्सर में आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। मीडियट दबा दिया, दो नंबर मीडियट, तीन नंबर मीडियट, चार नंबर मीडियट, पांच नंबर मीडियट, छह नंबर मीडियट, ये रिवर्स के लिए रेड की, सात नंबर मीडियट और आठ नंबर मीडियट, ये जो अपनी पहली बैंक और दूसरी बैंक रेड के लिए थी वो चेस पे सेव हो गई है। उसी तरह हम तीसरी बैंक सेलेक्ट करेंगे, एक एक नंबर दबाएंगे, आप देखते हो तो ग्रीन आ गई है, तीसरी बैंक पे ग्रीन था, मीडियट दबाएंगे सेव, दूसरी मीडियट, तीसरी मीडियट, चार नंबर मीडियट, फिर पांच नंबर दबाया, फिर मीडियट, छह नंबर दबाया मीडियट, सात नंबर मीडियट और आठ नंबर मीडियट। उसी तरह चार नंबर बैंक पे गए, फिर एक नंबर स्विच दबाया मीडियट, दो मीडियट, ये रिवर्स के लिए वापस उल्टे आ रहा है। ये सेव हो गया, पांच नंबर बैंक पे गए, उसी तरह आप देख सकते हो ब्लू आ गई है लाइट, पांच नंबर बैंक पे ब्लू थी अपनी, वही करना है अपने को, मीडियट दो तीन चार पांच, चेक करने के लिए आप देख सकते हो पांच नंबर बैंक है, सिंस है जो हम स्विच दबाएंगे वो हो गया, और चेस आपको पता है एक पे है ही है, और उसके बाद में छः नंबर दबाया सेव हो गई, सात नंबर सेव और आठ नंबर सेव। इसी तरह रिवर्स पे जाएंगे, छः नंबर पे गए, छः नंबर बैंक पे, फिर एक नंबर दबाया सेव, दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, इसी तरह सात नंबर बैंक पे गए, आप देख सकते हो सात नंबर बैंक पे अपना येलो था, वैसे सेव करना है उसी तरह चेस पे, ये सारे प्रोग्राम पहले बैंक में सेव हुए अब चेस पे सेव हो रहे हैं। नौ नंबर बैंक गए, दस नंबर बैंक पे गए, ये हमने दस तक सेव कर दिया, फ्लिक वाला सेव कर लेते, ग्यारह नंबर बैंक पे गए, दोस्तों ये सारे प्रोग्राम अपने चेस पे हमने जो 11 बैंक बनाई थी वो सेव हो गई है। अब अपने को इसको चेक करना है कि ये चेस पे प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले अपने को एक नंबर चेस दबाना है, चेस दबाने के बाद में अपने को जो ऑटो वाला है यहाँ पे डॉट अभी आ रहा नहीं है तो ऑटो पे दबा दिया, अब मैं इसको जैसे ऊपर करूँगा ये रन करने लग जाएगी, आप देख सकते हो जो हमने सेव किया था वो सारा रन हो रहा है। दोस्तों ये जो अपना मिक्सर है, ये जो स्विच है ये स्पीड तेज और धीरे के लिए है, तो इसको अगर मैं थोड़ा नीचे कर दूंगा तो और ये थोड़ी स्लो हो जाएगी अपनी लाइटें, देख सकते हो आप जैसे, दोस्तों ये अपने एक नंबर सेव, ये दो नंबर, तीन नंबर, ये रेड वाला है जो सबसे पहले हमने बैंक सेव किया था, ये ग्रीन हो गया, एक से आठ जो हमने बैंक सेव की थी, और ये वापस रिवर्स हो गई, ये ब्लू हो गई, ये येलो, ये वाइट, ये फ्लिक, ऐसे हमने सेव किया था, जो जैसे हमने सेव किया था वैसे हमने सेव हो गया। इसी तरह हम अपने पसंद के अकॉर्डिंग सब कुछ कर सकते हैं, जो अपने को पसंद हो वैसे हम कलर सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कलर में भी कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको सेव हो आप कर लो, इसमें पिंक भी कलर होता है, और उसके अलावा प्रॉपर आप इसको वाइट भी कर सकते हो, ब्लू भी कर सकते हो, और जैसे अभी तो लाइटें एक से आठ जा रही है, वापस आठ से एक आ रही है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पर्टिकुलर चार लाइटें जाएगी फिर वापस रिवर्स होगी, और इसी तरफ भी चार लाइटें जाएगी वापस रिवर्स होगी, उसके आगे जो वीडियो मैं डालूंगा इसी के ऊपर डालूंगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमको पता चले कि हमने जो मेहनत की है वो आपको अच्छी लगी। धन्यवाद।